ड्यूरिंग दिस लास्ट लॉकडाउन ना चीज़ केक मुझे बनाना था एंड क्रीम चीज़ अवेलेबल नहीं था मार्केट में. सब एरिया में ना क्रीम चीज़ इजीली अवेलेबल नहीं होता है. एंड समटाइम्स क्या होता है, आप ले के भी उसको आते हो क्रीम चीज़ को, तो उतना पोर्शन आपका पूरा ख़त्म नहीं होता है. सपोज आपको एक बार बनाना है तो बाकी का क्रीम चीज़ का आप करोगे क्या, ठीक है. तो वैसा कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ना, तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है. आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही बना सकते हो ईजीली, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है. एंड ये क्रीम चीज़ से आप ये चीज़ केक बना सकते हो. और ये चीज़ केक को बनाने के लिए मैंने कोई सेटनिंग एजेंट लाइक अगर अगर मूस मिक्स जेलेटिन वेज जेलेटिन का यूज़ नहीं किया, तो क्या यूज़ किया है उसके लिए भी आपको वीडियो देखना पड़ेगा. अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दे दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं हूँ तृप्ति और आप देख रहे हो तृप्ति टेस्टी सीजन केक्स. तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले चीज़ केक का जो बेस है उसको बनाएंगे. उसके लिए मैंने यहाँ पर डाइजेस्टिव बिस्किट लिया है. ये मेरा होममेड है, इसका रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो आप डाइजेस्टिव बिस्किट्स के बदले एनी कुकीज़ आप ले सकते हो और एनी अदर बिस्किट भी आप ले सकते हो, बट वो स्वीटर इन टेस्ट होना चाहिए, नमकीन वाला नहीं लेना है. आप सारे जो बिस्किट्स हैं उसको पीसेस में कट करके ग्राइंडर में ले लेंगे और इसको पाउडर कर लेंगे. अगर आप ये बिस्किट नहीं लेके दूसरा कुछ बिस्किट ले रहे हो ना, तो इसमें बटर का क्वांटिटी थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा होगा. वो कैसे पता चलेगा वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी. तो सबसे पहले चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं एंड देन नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो बिस्किट पाउडर हो गया है. इसको अब एक बोल में ले लेंगे और अब क्या करेंगे, थोड़ा सा बटर लेंगे और उसको मेल्ट करेंगे और इसमें धीरे धीरे करके ऐड करना है, 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून करके. तो ये बिस्किट के लिए मुझे 2 टेबल स्पून बटर लगा. तो आप धीरे धीरे ऐड करोगे और ऐसे मुट्ठी बांधोगे, ठीक है. तो मुट्ठी बांधोगे तो आप देखोगे वो अच्छे से एक बाइंड हो जाता है. तो उतना ही बटर चाहिए, लूज़ लूज़ होगा तो फिर आपको ज़्यादा बटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. अब क्या करना है, एक स्क्वेयर लूज़ बॉटम पैन मैंने लिया है 6 इंच का और उसमें चारों तरफ एक एल्युमिनियम फॉइल लगाया है, नीचे एक बोर्ड रखा है. ये कंपलसरी है, नहीं तो आपका जो बिस्किट है वो गिर जाएगा. और एग्जैक्टली कैसे करना है इसका रील भी आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा. अब जो बिस्किट का मिक्सचर हम लोगों ने रेडी किया था, बिस्किट एंड जो बटर का, उसको धीरे धीरे करके इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे और बहुत टाइटली आपको इसको प्रेस करना है. बहुत अच्छे से प्रेस करके इवन लेयर एक स्प्रेड करना है और प्रेस बहुत अच्छे से करिए, नहीं तो जब आप चीज़ केक को कट करने जाओगे तो क्रम्बली होगा, ठीक है. तो बटर का क्वांटिटी भी अच्छा होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए और प्रेस भी करना है. अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी जब तक बाकी की तैयारी हो रहा है. अब एक ब्लेंडर में मैंने 65 ग्राम्स ऑफ पनीर ऐड किया है, उसमें 65 ग्राम्स ऑफ हंग कर्ड ऐड किया है, 3 टीस्पून ऑफ शुगर ऐड किया है एंड थोड़ा सा सैफरन स्ट्रैंड को मैंने दूध में मिक्स करके रखा था उसको ऐड किया. और इसका बहुत अच्छा स्मूथ पेस्ट बनाना है, ये सारे चीज़ों को स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, पनीर जो लिया है मेरा घर का बना हुआ है, आप मार्केट का भी ले सकते हो. दही भी मेरा होममेड है तो आप दही मार्केट का भी ले सकते हो. दोनों ही केस में आप दही को एक स्ट्रेनर में ले लीजिए और उसका जो एक्स्ट्रा लिक्विड है उसको निकाल दीजिए. हमें एकदम थिक दही चाहिए, उसमें लिक्विड नहीं रहना चाहिए. एंड शुगर जो नॉर्मल ग्रेनुलेटेड शुगर है वो आप यूज़ कर सकते हो और इसको एक बोल में निकाल देंगे. नेक्स्ट मैंने लिया है 100 ग्राम्स ऑफ नॉन डेरी व्हीपिंग क्रीम और इसको व्हीप करेंगे एक सॉफ्ट पीक आने तक. नॉन डेरी व्हीपिंग क्रीम को एग्जैक्टली कैसे हैंडल करना चाहिए, उसको कैसे व्हीप करना चाहिए, अगर ये आपको जानना है तो इसका एक एक्सक्लूसिव वीडियो मेरे चैनल पे, उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए. उससे क्रीम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं ना वो सब क्लियर हो जाएंगे. अब क्रीम मेरा सॉफ्ट पीक तक व्हीप हो गया है. अब नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे जो क्रीम चीज़ का मिक्सचर हम लोगों ने बना के रखा था उसको. ये ऐड करने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे ठंडाई सिरप 3 टेबल स्पून, ठीक है. अगर ठंडाई सिरप आपके पास नहीं है तो ठंडाई का पाउडर मार्केट में मिलता है, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट ऐड करेंगे चॉकलेट, वाइट चॉकलेट कंपाउंड 160 ग्राम, मेल्टेड है. इसको माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स बर्स्ट में मेल्ट करिए या फिर डबल बॉयलर मेथड में भी कर सकते हो, मैंने माइक्रोवेव में किया है. और सारे चीज़ों को आप एक स्पैचुला के हेल्प से भी मिक्स कर सकते हो या फिर एक ऐसे व्हिस्क के हेल्प से भी मिक्स कर सकते हो. बस मिक्स ही करना है इसको
व्हिप और नहीं करना है। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा एक मिक्सचर रेडी हो गया चीज़ केक का। उसको अब जो टिन हम लोगों ने प्रिपेयर करके रखा था बिस्किट वाला, उसके ऊपर पोर करेंगे और अच्छे से स्प्रेड करेंगे। पहले कॉर्नर्स को एंड साइड्स में स्प्रेड करेंगे एंड देन जो बीच का सेंटर पार्ट है उसमें स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के बाद इसको स्मूथन करना ना भूले, तभी जाके वो लुक अच्छा आएगा। गाइस, अभी तक अगर ये वीडियो आप देख रहे हो और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको ज़रूर एक लाइक दे दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। और आपका जो भी फीडबैक है, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, आपको क्या आगे मेरे चैनल पर देखना है, जो भी है आप मुझे वो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फॉर मोर सच कंटेंट्स आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। अभी अच्छे से स्मूथन हो गया, इसको आप गार्निश करेंगे। सिंस ये ठंडा ही फ्लेवर है, इंडियन फ्लेवर है, तो पिस्ता सी और ड्राइड रोज पेटल्स एंड जो सैफ्रन मिल्क है उससे मैं इसको गार्निश करूँगी। गार्निशिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी से आप देख सकते हो कितना सुंदर एंड ब्यूटीफुल दिख रहा है। गार्निशिंग के बाद इसको फ्रिज में 6 to 7 hours के लिए सेट करेंगे या फिर ओवरनाइट। चलिए इसको अभी सेट करते हैं। सेट अभी हो गया है, 6 to 7 hours हो गया है। इसका जो एल्युमिनियम फॉइल है उसको निकाल देंगे और ये रिंग के चारों तरफ एक हॉट किचन टॉवल आप रैप करिए। एक टॉवल लीजिए, उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए और माइक्रोवेव कर लीजिए 40 सेकेंड्स के लिए। एंड देन ये टिन के अराउंड जैसे मैं अभी कर रही हूँ वैसे आप इसको धीरे धीरे करके कवर करिए, तो बहुत ईजीली जो चीज़ केक है मोल्ड से डिमोल्ड हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर देखना है कैसे मैंने किया है तो इसका भी रील एक है इंस्टाग्राम में, वो आप चेक कर सकते हो। वहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया है। तो आप ये देख सकते हो कितना सुंदर एंड ब्यूटीफुल दिख रहा है। चलिए इसको अभी स्लाइस करके मैं आपको अंदर का टेक्सचर दिखाती हूँ, कितना सुंदर है, कितना अच्छे से लेयर्स आया है ठंडाई चीज़ केक का, वो भी विदाउट एनी एक्सपेंसिव क्रीम चीज़। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो एंड तक देखा हो, तो एक लाइक जरूर दे दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर नए हो तो, एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। So till we meet next time, bye, take care, spread happiness around the world.